वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। ये बच्चों को बहुत पसंद होता है और अब तो बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी बहुत पसंद है। तो चलिए इसका सामान नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर 1 कप पास्ता लिया है, ऑनियंस लिए हैं, इसको फाइनली कट कर लिया है, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, कैरेट ली है, गाजर और गार्लिक लिया है, लहसुन, थोड़े से इटालियन हर्ब्स लिए हैं, ओरिगानो है और मिक्स हर्ब है, चिली फ्लेक्स लिया है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर लिया है यानी काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर ऑल पर्पज़ फ्लावर लेंगे यानी कि मैदा, सॉल्ट लिया है, बटर है, दूध लिया है, ये वाइट सॉस बनाने में काम आएगा और थोड़ा सा ऑयल। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें पानी रख लिया है, इसमें पास्ता को हम बॉईल करेंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल डालेंगे जिससे पास्ता हमारा चिपकेगा नहीं। देखिए पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। देखिए पास्ता हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है, इसे बॉईल होने में तकरीबन 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। जब तक ये पास्ता हमारा बॉईल होता है हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। देखिए गैस पे कढ़ाई रख दी, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें लहसुन डालेंगे और प्याज डालेंगे, इसे हमें हल्का सा फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बस थोड़ा सा करना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। ठीक है, प्याज हमारी हल्की सी बिल्कुल फ्राई हो गई, इसे सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई किया है हमने। इसमें अब हम गाजर डाल देंगे और गाजर को भी फ्राई करेंगे और बीच बीच में हम जो पास्ता बॉईल हो रहा है उसे भी हम चलाते रहेंगे। इसके चलाने से पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। इसी में अब हम शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। इसे फुल फ्लेम पे ही फ्राई करना है जिससे इसका क्रंची बनी रहे सब्जियाँ। अब इसे मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा हल्का सा नमक डालेंगे। याद रखिए नमक हमने पास्ता बॉईल करते हुए भी डाला है, ओरिगानो, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, लेकिन अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स को आप या ब्लैक पेपर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मिक्स हर्ब और इन सबको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे बीन्स हैं या बेबी कॉर्न हैं, जो भी आप चाहें आप वो ले सकते हैं। ये सब्जियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे हम गैस से हटा लेंगे और फिर अब वाइट सॉस बनाएंगे। देखिए गैस पे एक पैन रख दिया है, इसमें बटर डालेंगे, इसे मेल्ट करेंगे। देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसमें मैदा डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे। इस पर हाथ रोकना नहीं है बिल्कुल भी, इसे बहुत अच्छे से भूनना है जिससे इस पर लम्स नहीं पड़े। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भूनना है, इस पर थोड़ा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन भी मैदे का सारा निकल जाए। देखिए मैदा हमारा भुन चुका है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी इसने चेंज कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम दूध डालेंगे, दूध हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसमें हम थोड़ा और दूध डालेंगे, इसे रेगुलर हमें चलाना है और जितने भी ये लम्स हैं इन सबको ऐसे दबा दबा के ख़त्म करना है। इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें पकाना है, बिल्कुल स्मूथ सा सॉस तैयार करेंगे हम। बीच बीच में पास्ता का भी ध्यान रखना है, उसे भी चलाते रहिए। देखिए सॉस रेडी हो गई है, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे अपने, थोड़ा सा सॉल्ट, ओरिगानो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़े से मिक्स हर्ब, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। सॉस बिल्कुल रेडी हो गई, इसे हम गैस से उतार लेंगे। देखिए पास्ता भी अच्छे से बॉईल हो गया है, ये देखिए ये दब भी रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब इसको हम ड्रेन कर लेंगे, छान लेंगे पास्ता को। देखिए पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है, इसे छान लिया है हमने। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ।
अब गैस पे हमने ये सब्जियों वाली कढ़ाई रख दी है, इसे बस हल्का सा हमें गर्म करना है। जितनी देर में पास्ता हमारा बॉईल हुआ, हमारा सारा सामान तैयार हो गया, सब्जियां भी हमारी फ्राई हो गई, सॉस भी हमारा रेडी हो गया। अब बस अब हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे। देखिए सब्जियां हल्के से फ्राई हो गई हैं, मतलब गर्म हो गई हैं, इसमें सॉस डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सॉस हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे पतला करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमें डालना है इसमें और इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए सॉस और सब्जियां अच्छे से पक रही हैं, इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे। ऐसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें मिक्स करना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसका वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इससे। ये चीज़ मैंने डाल दी है यहाँ पर, बस इसे 1 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है, चीज़ मेल्ट हो गई है, अभी इसे हम सर्व करेंगे। देखिए व्हाइट सॉस पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।